हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर मेरे चैनल पर मेरे कई सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया है कि उनके बालों की ग्रोथ बिल्कुल बढ़ नहीं रही है। उन्होंने काफ़ी सारे होम रेमेडीज ट्राई की हैं, काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट करवाए हैं जिसकी वजह से उनके बाल बढ़े बट उन्हें कोई असर नहीं दिख रहा है। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है, एक ऐसा होममेड नुस्खा है जो कि आपके बालों की लंबाई अगर नहीं बढ़ रही है तो उन बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा और आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ बनाता है और उसमें नेचुरल शाइन लाने में ये नुस्खा आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अक्सर क्या होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा तोमही हो जाते हैं, बेजान होने लगते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप एक बार इस तरीके को वीक में दो बार करके देखिए, इससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है क्योंकि जैसा हम खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे इसके उसी का क्योंकि जैसा हम खाते हैं उसी हिसाब से हमारे त्वचा और बाल बनते हैं। तो अगर आपका खान पान अच्छा होगा, आप भरपूर पोषक तत्वों का सेवन करेंगी तो उससे आपके बालों की ग्रोथ नेचुरली खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। हम उस टॉपिक पर भी आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे कि आपको वो कौन सी चीज़ें हैं जो बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए एक बार, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए दोस्तों शहद। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि शहद हमारे बालों को सफ़ेद कर देता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। शहद आपके बालों को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, उसको पोषण देने में मदद करता है। अगर आपके बाल काफ़ी दोमुहे हो गए हैं, बेजान हैं, तो उस सबको नरिश करके उन्हें बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। तो आप अपने बालों के हिसाब से शहद दे लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ये शहद लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अगली चीज़ की ज़रूरत है, वो है लेमन जूस। तो आपने जितना शहद लिया है उसकी दुगनी मात्रा में हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 4 चम्मच के बराबर लेमन जूस ऐड करूंगी। अगर आपने 2 चम्मच शहद लिया है तो आप 4 चम्मच इसमें लेमन जूस ऐड कीजिए। दोस्तों, लेमन जूस क्या करता है कि आपके बालों को जो चमक है उसको बरकरार रखता है, आपके बालों को एकदम रेशम सा मुलायम और स्मूथ बनाए रखने में मदद करेगा। तो आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा मिश्रण बना लीजिए। फिर आपको इसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप इसका अच्छे से इसे अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसको लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई करना है, थोड़ी देर के लिए मसाज करनी है और उसके बाद आप इसे लगभग आधा घंटे के लिए ऐसे ही अपने बालों में छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको ये उपाय पहले तो जब तक करना है जब तक कि आपको अपने बालों की लंबाई बढ़ती ना दिखे। तो वीक में आपको इसे 2 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, तो आपको इसके रिजल्ट धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये घरेलू चीज़ें होती हैं वो अपना असर धीरे धीरे दिखाती हैं बट आपको परमानेंट रिजल्ट देने में ये बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। तो इस तरीके से आप इसको लगभग वीक में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए दोस्तों कि किस तरह से आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपके बाल बहुत झड़ने लगे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाकर बालों को झड़ने से रोकेगा और उन्हें सॉफ्ट स्मूथ एंड सिल्की बनाकर उन्हें लंबा घना मोटा बनाएगा। ये बालों को थिक बनाने में भी ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा सरदार है। तो ये तो वो मेरा आज का छोटा सा वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में ये 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो एक बार ज़रूर कीजिए और जो भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करो, क्योंकि जब हमें आप कमेंट करके बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको कितना असर दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपको ये नुस्खा कोई भी फायदा ना पहुंचाए तो आप हमें वो भी बताइए, ताकि हम कोई दूसरी रेमेडी आपके साथ जरूर शेयर करें। तो ये तो मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।